कार दौड़ रही
वैसी और एक बच्चों में तो वास आई एनु खामड़ा च करो मैं खबरदार असि किसे खामड़े च नहीं वड़ना यीशु दे नाम च चला हालेलुया तेरे यीशु ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰੇ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ मूसा मिस्र के अंदर जो उस नील दरिया सुट दिता गया और उस वेले असि देखते हां कि उसका डैडी मूसा का डैडी अमराम बहुत प्रार्थना करने वाला सी इन्नी ज्यादा इस करके मेरे अजी जो बहुत जरूरी है कि असि अज मूसा के निजी तजर्बे देख सकिए जो यहोवा परमेश्वर के काम की मेरे अजी जो उस नील के लिहाज में मैं वेख के आया परमेश्वर के अंदर और वो बहुत बड़ा दरिया है और इधरों भगता है तो इधरों जाता है और समुद्र वर्गा दरिया है जिसके बीच असी देखते हैं मूसा सुटिया गया और क्यों सुटिया गया इस करके एक काला कानून मिस्र के फिरौन राजे ने एक काला काला कानून की होंगा जिन्हों मौत कहते और यह काला कानून इसराइलियां दिया बेटियां ते साडे विच जी सकदियां ने पर इन्हां दे पुत्रां नूं वेख दे सार घरां च जाओ वेखो जे तुहानूं पुत्र लभदा है उहनूं उस वेले मरोड़ के मार दो क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਕਾਦੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕੌਮ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਕਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰਾਮ ਜੋ ਵੇਖ ਦੇ ਮਰੀਮ ਹਰੂਨ ਇਹ ਪੰਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰੀਮ ਵੱਡੀ ਹੈ अमराम और यबेक दे दी पलौठी बेटी है ओदे मगर हरून है हाथ उठावांगे ओदे मगर मूसा है तालियां बजावांगे ओदे मगर मूसा है और मूसा किन्ना दिनों विच पैदा होया जिन दिनों विच अमराम तरले करदा सी खुदा दे अगे रोंदा सी और तबाले दे उत्ते दुआइयां ਦਾ
सी प्रभु सानू कदों गुलामी तो छड़ा देगा। इस भारी गुलामी तो एकता पाउन वाली गुलामी तो एक गुलामा वर्गा साडे नाल दस्तूर हुंदा है। साडे बच्चे मारे जांदे ने, साडियां औरतां नूं कोड़ियां नाल मारिया जांदा है, आदमियां नूं कोड़ियां नाल मारिया जांदा। हे यहोवा तू कदों सानू छुटकारा देवेगा? मेरा जीजो असि देखते हैं कि मूसा ने नहीं ओदे पाप ने रो रो के दुआवां कीतियां। तुहानू पता है मां बाप दीआं दुआवां परिवार नूं लगदीआं ने, गालियां बिना मां बाप दीआं दुआवां बच्चे नूं लगदीआं ने। जिहड़े मां बाप प्रार्थना नहीं करदे उहनां दे बच्चां दा हाल वेखो, ध्यान दिओ और उहनां लई दुआ मंगो। भई प्रभु इन्हां बच्चां ते तेरी की हो जाए, कृपा हो जाए। हालेलुया। इस करके मेरे अजीजो उन्हां दिनां विच जो बेग देर दी कुख विच कौन आया है जी, मैं दो दिनां तो नहीं सुनना चाहुंदा, मैं हाथ उठा के वेखना चाहुंदा। उन्हां दिनां दे अंदर जदों राम दुआवां मंगदा सी, सारी सारी रात प्रार्थना हुंदी सी, उन्हां दिनां दे अंदर जो बेग देर दी कुख विच मूसा आया है। और मूसा नाम जिहड़ा है इह अमराम ने नहीं रखिया, हक सी अमराम नूं भई मैं अपने बच्चे दा नाम रखा, पर क्यों नहीं उहने रखिया? जो भी अमराम ते जो बेग दे कहिंदे, जो बेग दे कहिंदे अमराम ना रख के की करना? जिद्दण उह आ गईआं नर्सां जिहड़ियां बच्चा का गल घुट दिया ने, जिदन वो आ गया उन्होंने बच्चे तू बरोड़ के सुट जाना, ना का सानू की मतलब होना, पहले ओदा ना लैके रोकते रहेंगे, ना ही नहीं रखे। मेरा जीजू प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत दे, उस नींद लगी के अंदर साडा जहाज ढाई घंटे चलता रहा, और उस नींद नदी के अंदर जब जो बेग दे ने मरियम नूं घल्या, कहिंदी जा काने वढ के लै के आ, और ओ काने वढ के लै के गई, एक छोटी जी पिलसी करके टोकरी बनाई, छोटी जी जिहड़ा कि मूसा सी ओहदी टोकरी जरा ओहदे तों वड्डी बनाई, और ओहदे उत्ते ढक्कण भी बनाया। और याद रखो मूसा नूं इक कूले दे कपड़े दे विच लपेट के जदों टोकरी विच रख्या, मावां दीआं रो रहीआं, केहड़ी गल तों रोईआं? इस करके रोईआं कि जो बेग दे ने क्या मरियम तू जा, तू छोटी बच्ची आ, तू जा तू इनू अपने भरा नूं उत्थे पानी दे विच कांडियां विच रख जा, मैं इनू लुड़दा वेखणा नहीं चाहुंदी, मैं इनू मरदा भी वेखणा नहीं चाहुंदी, जा तू चली जा। और ओह गई ਕੀ ਭਲਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿਲਸੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ, ਉਸ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਵੇਖ ਦੇ ਭਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ।
इन्हें मार कर हम मरिया मरोड़न चली आ इन्हें वापस नहीं आना टालिया बजाओ मूसा वापस आना है कोई हक ना थले दे टालिया बजाओ मूसा वापस आना कि खुदा दे तजा खुदा के वचन फेल हो जान के कोई नहीं सकता पर मैनू ते तुहानू प्रार्थना वाला जीवन गुजारना है अगर प्रार्थना वाला जीवन नहीं तुसी प्रार्थना में से हम रोते फिर दे रो और तो आधी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिलना पावे पैना हो पावे प्राप हो प्रार्थना किस तरह करनी है जे नींद आती है तो मुंह धो के प्रार्थना करो आखो मैं प्रार्थना जरूर करेगा क्योंकि प्रार्थना मेरे लिए बड़ी बड़ी हरकत है मेरा जीजो मैं जो भी वचन सुनाऊंगा मैं पहला और भाइयों वाल वेखता रहता इस करके वेखदा कि वचन सुन भी रहे ने जब मैं ही बोली जा रहा नहीं मेरे जीजो वचन सानू सुनना चाहिदा है क्योंकि प्रकाश की पोथी उसका दो तो तीन अध्याय के बीच बीच यीशु मसीह ने कहा जी दे कान हन सो सुने भई आत्मा कलीसिया नु की आखदा है जी दे कान हन सो सुने भई आत्मा कलीसिया नु की आखदा है मेरे अजीजों अस कलीसिया साडे प्रभु ने कुछ सानू कहना है उन्हें कुछ सानू आखना है कुछ उन्हें साडे नाल की करनिया ने गल्लां करनिया हालेलुया जो ओ गल्लां करदा उदों तुहाडे हाथ च बाइबल हुंदी आ और जो बाइबल पढ़दे हो खुदा तुहाडे नाल गल्लां करदा है और जे बाद तुसी गल्लां करनिया ने ते फिर तुहाडे कुट ने यीशु मसीह के सामने झुके हुए होने चाहिए हन परमेश्वर की बरकत दवे जो मरियम ने कोटोकरी कान्या दे विच रख दी रोड़ू थां विच नहीं रखी दिल नहीं शिकारदा भरा नू हथां नाल रोड़ दवे कान्या दे विच रखी है टोकरी क्योंकि कान्या विच भी ओना ही पानी हुंदा पर कान्या करके ओ रोड़ू नहीं हुंदा प्रभु बहुत वड्डी बरकत दवे असीं देखदे हां कि कान्या विच ओहदी टोकरी रख के मूसा दी और फिर आप पिछां होगी बोले होके बैठण दे उधर फिरौन दी बेटी आ रही आ ओहदे नाल ओहदियां सहेलियां आ रहियां ने तुहानूं पता है जवान बच्चियां जदों इकट्ठियां होईयां होण इह काफी गल्लां कर सकदियां ने और ओह भी गल्लां करदियां आ रहियां सन आवाज कीती कन्नां च पै रही तालियां वजावांगे मूसा दी आवाज कन्नां विच पै रही आ और असीं देखदे हां कि जदों कन्नां विच आवाज पै रही आ इह छोटे बच्चां दी आवाज बड़ी तिखी हुंदी है छोटे बच्चों की आवाज जेड़ी ना ये बड़ी तिखी हुंदी है और याद रखो बच्चे भावे इंग्लैंड के हो भावे पाकिस्तान के हो भावे हिंदुस्तान के हो भावे श्रीलंका के हो भावे जिथों के मर्जी हो उन्हां दी आवाजां पूज गए हालेलुया उन्हां दी आवाजां की हुंदियां ने उन्हां दा चीख चहारा बहुत बड़ी बरकत है मूसा रो रहा है मूसा की कर रहा है रो रहा है और असि देखते हैं आवाज होगी कन्ना बेच पै रही है कि कन्ना च आवाज पै गई है प्रभु बहुत बड़ी बरकत दे असि देखते हैं कि कन्ना बेच आवाज पै रही है कि आवाज पै रही है मूसा की आवाज
फिरौन की बेटी के कन्ना विच पै रही है। पढ़ेंगे पूत दो चार दो जी पांच को पढ़ेंगे पूत दो जी पांच दो श्री प्रभु के वचन विचो पढ़ेंगे जी। फिरौन की धी स्नान करन लई दरिया से उतरी पड़ांगे सहेलियां दरिया के कंढे हांजी और उसने पीसी बेच की देखा पढ़ांगे उन्हें अपनी टैलेंट आख्या ए फड़ लिया गया जदों उन्हू खोलिया उसने बालक देखा तालियां बजाव गुस्सा रो रहा सी टोकरी बेच मरियम रो रही सी ओले होके जो ये
ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਦੀ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ ਲਈ ਬੱਚਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਗਲੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਈ ਰਹੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਭੱਜੇ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਫਿਕਰ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈ ਲੀੜੇ ਧੋਲੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਲੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਲੋਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਤੇ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜ਼ਬੂਰ 127 ਤਿੰਨ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜ਼ਬੂਰ 127 ਦੀ ਤਿੰਨ ਆਇਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵੇਖੋ ਬੱਚੇ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਢਿੱਡ ਦਾ ਫਲ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਹੈ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਣ ਤੇਰੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਜੇ ਬੱਚੇ ਬੁਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਲਿਖਿਆ ਰੱਬ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਦੁਆ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਉਸ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੇਖ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਓਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੌਸਿਸ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮੌਸਿਸ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੌਸਿਸ ਹੈ ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਮੂਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਮਾਂ ਇਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ ਸਕਦੀ ਬਾਪ ਇਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੌਜਦ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਸ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਲਈ ਜਰੂਰ ਆਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਗੜਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਈ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਟਲਾ ਚਾਲ ਤੋਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਟੁਕਲੋ ਜਾਇਆ ਰਾਜਾ ਦੋ ਮਿੰਟ ਟੁਕਲੋ ਜਾਇਆ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਦੁਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਦੱਸ ਇਹ ਨਾ ਦੌੜਦਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੌੜਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋ ਵੀ ਨਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫੜ ਫੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਚੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ
मामा ने नहीं आता क्या तू नहीं तक साधे ना और याद रखो कई बारी मैं तो तू चले जाने के मैं तो तू ना मतलब घर वाला के घर वाली इन न्याणे नु नहीं वचन चाहिए गालियां बजाओ वचन न्याणे नु नहीं चाहिए नु भी चाहिए है और जे स्याणे सुनते ने ते न्याणे नु भी चाहिए है जिन्ना ने न्याणे नु सिखाया बैठ बेटा मैं तुम्हें कहना तेरे खिला दूंगा हालेलुया तो मैं दसना चाहूंगा बच्चे आने चाहिए ने तुहाडे नाल आने चाहिए ने मैं कहने करा कि तेरे मार के हट गया मुड़के उन्होंने बुलाया मैं कि मैं क्यों नहीं आना पर यार तो सा सुननी नहीं किसी की गल वचन ही नहीं सुनना और तुहानू पता ही नहीं असल विच संदेश है कित्थे है ते फिर क्यों एडिया कीर्तना करनी है फिर भी मैं कोई मतलब ये नहीं कहता भी मैं आ ही नहीं सकता मैं जा सकता लिखा यीशु मसीह ने एक संदेश देता नबी ने यीशु नु बुलाओ ते ओ जरूर आवेगा यीशु कौन है साडा मुक्ति दाता है यीशु नु बुलाओ ते ओ जरूर आएगा इस करके देखते हां कि मूसा का जन्म होया मूसा का नाम रखा गया मूसा उस वेले के राजे के घर विच चलेगा जब राजे के घर विच चला गया ते ओनू ओ तजर्बा नहीं होया जेड़ा खुदा के नाल हो सकदा है और नबी ने संदेश दिता है परमेश्वर नाल ते सर्वा हालेलुया जब ओदे नाल ओदे नाल वास्ता पाएगा फिर तुहानू बरकतां मिलणगियां आशीषां मिलणगियां मेरे अजी दो अपने बच्चन ओटे के दुआ करो हुण असीं देखदे हां मूसा कित्थे पहुंच गया मूसा दी लड़की कित्थे लै गई ओनू ओहो तालियां बजा के आखो मूसा चले गया महिला के अंदर मूसा चले गया पर जिदन खुदा मिला मूसा उदन एक झाड़ी च मिले और परंतु पूर्व तीसरा जय और उसकिया पहलिया आयता पंजवी आयत में शुरू कर लो चार से पांच छह जहां यहोवा ने देखा जहां यहोवा ने देखा कि वो वेकन एक पासे नु मुड़िया वो वेकन नु एक पासे नु मुड़िया पर परमेश्वर ने उस झाड़ी दे विचों परमेश्वर ने उस झाड़ी दे विचों पुकार के उस नु आख्या पुकार के उस नु आख्या हे मूसा हे मूसा हे मूसा हे मूसा पर उस आख्या मैं हाजिर हां उसने आख्या मैं हाजिर हां हे उस आख्या इधर नेड़े ना आ इधर नेड़े ना मेनू मेरे प्यो दादियां दा परमेश्वर मिलिया है अज कईयां नूं इह नहीं पता कि मेनू परमेश्वर मिलिया ओ चर्च विच आउंदे ने खुदा नूं फर्क कभी उहनां नूं चर्च विच की करना चाहिदा आके वचन नूं किस तरह सुनना चाहिदा रीत नाल सुनना चाहिदा ए वचन नूं रीत नाल सुनदे ने ओ बीमारियां तों बच जांदे ने जेडे मन ला के सुनते ने खुदा उन्हां नूं उच्चा कर दिंदा और इत्थे जदों भी आउणा इस करके आउणा भी एक ते मैं जागणा वा ते इक की करनी आ मैं प्रार्थना करनी है क्योंकि ये जिथे तुसी बैठे हुए हो
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੱਥ ਕੋਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ। ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ,
इन्हें कितों आना जी इन्होंने आना जी 5:30 पांच छुट्टियां भी कराया भी गया समा भी गया हूं असि अगले जवाब नहीं इतने पता इस करके अपने जीवन का वधिया फैसला लो वधिया फैसला लेके चलो एवं डावाडोल फैसला नहीं लेना हां जी कदे ओनू चले गए किसी इतवार को रोग दूर करना बीमारियां चुकने चंगा करने हरे डूया असि पढ़ रहे छेवी आए नारे साख्या हां जी नारे हां जी नारे साख्या मैं तेरे पिता का परमेश्वर हां मैं तेरे पिता का परमेश्वर हां अब्राहम का परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर हां इसहाक का परमेश्वर मैं इसहाक का परमेश्वर हां ते यकूब का परमेश्वर मैं यकूब का परमेश्वर मूसा ने अपना मुंह ढक लिया हां जी क्यों जो कोई परमेश्वर वादन वेखन तोड़ता है का असी पढ़ेंगे यहोवा ने आख्या मैं अपनी परदा की मुसीबत को जेडी मिश्र विच है सचमुच वेख्या है हर उन्होंने दुहाई जो उन्होंने बेकार करा वाले कारण है सुनी क्यों जो मैं उन्होंने दुखा जानता किसे दुखी भरा की दो दुआ कर किसे दुखी भैन की दुआ कर दो घर ना बैठे रहो किसे दुखी परिवार ले जाके दुआ करो जे थानू दुआ आई जे दुआ तो तुम करते जे जाओ कितने जाके अपने गुआंढी के घर दुआ करो और इतने कलो बैठी हुई आमांगर से भाई बहनों थानू रो के दस रही सी मेरा पता नहीं किसी ने लिया इस तरह ना करो इस तरह ना करो जे थानू कोई रोगी दुखी लगता तो ओले दुआ करो हरे लोईया क्योंकि मूसा नू यहोवा ने कहा मैं अपनी प्रजा के दुखा है हालेलुया चौथे अध्याय वाल छेती छेती चलांगे चौथे अध्याय वाल छेती छेती चलांगे क्योंकि संदेश है खुदा के नाल निश्चित तजर्बा जी तो खबरे की आय तब मूसा ने उत्तर दिता वेख मेरी प्रतीक ना कर दे ना मेरे आवाज मेरी प्रतीत ना करनगे ना मेरी आवाज सुनगे ना मेरी आवाज सुनगे सब आकड़गे हां जी यहोवा ने तैनू यहोवा ने तैनू दर्शन नहीं दिता पर यहोवा ने उसनू आख्या हां जी तेरे हाथ में तेरे हाथ विच की है उस आख्या टांगा उन्हें आख्या इक टांगा है उसने आख्या हां जी इसनू धरती उत्ते सुट दे साडे युग के नबी ने एक संदेश दिता एक कहा ना परमेश्वर का निजी तजर्बा एक है तेरे हाथ विच की है ये सारे संदेश ने अगर अज दे सेवक संदेश नहीं पढ़ते तो वो संदेश कलीसिया नूं दे नहीं सकते वो कलीसिया नूं संदेश नहीं दे सकते और जे उन्होंने अपने मतलब संगत नो संदेश देने ने ते तीन काम करने पैने एक ते गोडे टेकने पैने ने और एक वचन पढ़ना पैना है एक वचन सुनाना पैना इस करके प्रभु का बहुत वड्डी बरकत है तो असि वेखदे हां कि उन्हें क्या तेरे हाथ विच की है और उसने की क्या इस उत्तर हां जी उसने क्या कहा हां जी उसने आख्या इस नु धरती उत्ते सुट दे इस नु धरती उत्ते सुट दे ता उसने धरती उत्ते सुट उन्ने धरती दे उत्ते की कीता सुट दिता वो सप बन गया हां जी वो की बन गया है सप बन गया है इस चौथे अध्याय च दो निशान बुला देता अपने बंदे नु ओदे निजी तजर्बे दे वास्ते ओदा निजी तजर्बा की सी उन्ने यहोवा दे आके लग के ढांगे नूं की कर दिता सुट दिता और जो ढांगे नूं सुटिया तो की बन गया वो की बन गया है सप बन गया हुण मूसा ढांगे तो डरदा है
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੜਲਾ ਕਿਥੋਂ ਪੜਲਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪੜਲਾ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਫੜ ਲੈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਫੜ ਲੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਟਾਂਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਟਾਂਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਅਵੇ ਛੇਵੀਂ ਆਇਤ ਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਆਇਤ ਇਹ ਦੂਜਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪੜਾਂਗੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਹੇਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਹੇਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਾ ਤਾਂ ਉਸ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਹੇਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੇਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਕੋੜ ਨਾਲ ਬੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੱਥ ਕੋੜ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਰਾਂਗੇ ਸੋ ਉਸ ਆਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਹੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਕੱਪੜੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਹੇਕ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਹੇਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚੰਗਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਫਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹ ਢਾਂਗਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਲਓ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਹ ਬਣ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਹ ਬਣ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਛੱਪੜ ਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਹ ਬਣ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਦਰਿਆ ਚ ਹੋਵੇ ਕਾਵੀਆਂ ਵੀ ਲੋ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਲੋਹ ਕੌਣ ਪੀਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਲੋਹ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੀ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਆਉਣ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰ ਦਾ ਵਾਂਗੀ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਮੂਸਾ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਮਾਰੋ ਤੇ ਆਪ ਭੱਜ ਜੋ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਓ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰਾਉਨ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਰਜਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰਾਉਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੀਵੀਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਪੀਣ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਲੋਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਹੋ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ ਔਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਮਿਲਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਨਿਆਣਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੁਣਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
बहुत बड़ी बरकत होगी। सिर्फ जो प्रार्थना वाला होना चाहिए, प्रार्थना का उत्तर मिलना चाहिए। और असि देखते हाँ कि मूसा सेवक सी और प्रार्थना वाला सी, और जो जो होवा परमेश्वर कहता सी वो ही हो जाता सी। यहोवा परमेश्वर की मूसा मानता सी, मूसा की यहोवा परमेश्वर मानता सी। बड़ी तगड़ी सांझा सेवक की कलीसिया की, लोगों को बोलन का पता नहीं सेवक नाल, याद रखो इन्हों पता नहीं गा। और सानू सारू मेनू भी थोड़ा डर रखना चाहिए है कि मेरे भरा ने, ये मेरे जवान बच्चे ने, ये मेरिया धीआं बेटियां ने, बीबिया भैन ने, मैं इन्हों किस तरह बोलना। मैं 40 साल गरीब रहा, 40 साल मैं किसी को बहुत ज्यादा नहीं बोल के दसा, क्योंकि मेरा प्रभु हरदाना और लख बार हलीम है। किन्ना कलीमा बन गया दस सकते हो, किन्ना कलीम सी, बहुत कलीम सी। ओदी आवाज उदों तक भी नहीं सी जाती, पर फिर भी काम होंगे सन। हालेलुया। इस करके असि देखते हैं कि साडा खुदा है जिहड़ा साडे नाल चलता है, और असि ओहदे अगे थर थराउणा चाहीदा, सानू डरना चाहीदा, और सानू अपनी जुत्ती अपनिया पैरां तो ला देनी चाहीदी आ, यानी कि अपनी समझ वरतनी नहीं चाहीदी। जो खुदा कहिंदा है वो करना चाहिदा है। प्रभु बहुत वड्डी बरकत है। तो असीं की सुनने आ भला, खुदा नाल यहोवा नाल निजी तजर्बा। तो निजी तजर्बा सिर्फ मूसा का नहीं सी, अज तुहाडा भी होना चाहिदा है, क्योंकि निजी तजर्बा जिहड़ा है इहदा संदेश जिहड़ा है अज तुहाडे कोल भी होगा। अगले हफ्ते फिर निजी तजर्बे का संदेश, निजी तजर्बा केला नहीं करना, खुदा की दुआ करनी और विश्वास रखना है। वो साडिया जरूरत नूं पूरा करेगा, वो साडिया जरूरत नूं पूरा करेगा। वो खुदा है, वो साडा प्रभु है, वो मेरिया अते तुहाडिया सभना दीआं जरूरतां नूं हर उठाउंदा पूरा करदा। जे वो पूरा करदा है अजमात भी वेखो, खुदा तुहाडी जिंदगी और आज जो इच्छे है। आओ अस अपने मन बंद करिए, प्रभु यीशु मसीह के अगे अपने हाथ उठाए। जो थानू कोई जरूरत है अपने हाथ अपने प्रभु यीशु मसीह के अगे उठाओ। अज जो थोड़ी अखा नू वेख रहा है, हम मंगो ओ जो तुम मंगना चाहते, और मंगया मुंह